हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन के सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट प्रचक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्यौहार के समय कक्षा फिफ्थ में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, फर्स्ट अपने अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सेकंड, एक कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। थर्ड, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। फोर्थ है कि अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वह या यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्यौहार के समय प्रतिशत टॉपिक पर चर्चा की जा रही है, तो वो किस प्रकार से बच्चों को होनी चाहिए होगी। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, ये एक दूसरे के विचार को सुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड सेकंड करते साथ साथ में, आंकड़ों को विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका रूपात्मक कार्य है। फर्स्ट है वर्ग पहेली, सेकंड है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, थर्ड है प्रश्नोत्तरी, फोर्थ है भूमिका निर्माण या रोल प्ले। तो यहाँ पे आंकड़े संबंधी विश्लेषण संबंधी की बात की जा रही है, तो विद्यार्थी समझ का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा। तो यहाँ आंकड़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ बच्चों को सक्रिय रखना होगा, हमें सर्वेक्षण आधारित परियोजना का निर्माण करना होगा, खोज विधि का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक प्याजे के विश्वास में सॉरी सिद्धांत में विश्वास रखते हुए फर्स्ट ऑप्शन विभेदित अनुप्रयोग का अनुप्रयोग करेगा, सेकंड है चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, थर्ड है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालक का प्रयोग शाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, फोर्थ है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे प्याजे जी का जो विश्वास है वो सामाजिक अनुदेशन से सिखाना होता है, और यहाँ पे एक गणित शिक्षक किस प्रकार के सिद्धांत प्याजे के सिद्धांत को लागू करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सामूहिक परिचर्चा सामूहिक परियोजना पर कार्य करना या अपनी बातों को विचारों को व्यक्त करना अपने समाज में या इस प्रकार की परिचर्चा पर फोकस करेगा, ध्यान देगा, गतिविधि अपनाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए एक शिक्षक ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा, साथी 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन जाएं या बन पाएं और उनके जोड़े नहीं बन पाएं। उमा फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य विद्यार्थी है, सेकेंड है को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, फोर्थ है चाचुस विद्यार्थी है, सॉरी थर्ड है फोर्थ है कायक गतिक विद्यार्थी है। तो यहाँ उमा एक छात्रा है जिसे सम विषम संख्या या संकल्पना को समझने में परेशानी हो रही है, तो एक टीचर क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के रंग की कंकड़ ले रहा है 20, और उससे बोला जा रहा है कि उनके जोड़े बनाए और संख्या भी छाट ले जिससे कि उनके जोड़े बन पाए, जिन्हें जोड़े नहीं बन पाए। तो किस प्रकार की यहाँ पे गतिविधि की जा रही है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों को किस प्रकार की चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे उमा को अपने व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेमी कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है और उसका उत्तर। तो ये आपके सामने रूलर दिया गया है, रूलर टूटा हुआ है और इस पे 2, 3, 4, 5, 6 भी दिया गया और यहाँ पे 6 सेमी पूछा गया है बच्चे को। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 सेमी से शुरू करना चाहिए था और 6 सेमी को चिन्हित करना था जो कि वांछनीय चिन्ह है। सेकेंड है यह बताता है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेमी एक बिंदु के रूप में है न कि लंबाई के रूप में।
थोड़ा सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। 4 तक गलत है क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो देखो यहाँ पे जैसे बात की जा रही है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रदीप से पूछा जा रहा है कि रूलर में 6 सेमी कहाँ पर है। तो जैसे कि यहाँ रूलर दिया गया, तो रूलर का पहला टुकड़ा टूटा हुआ है यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक टूटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 0 यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे है, अगर प्रदीप यहाँ पे काउंटिंग करता तो यहाँ पे जैसे 6 सेमी पूछा गया, तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी दिख जाए तो 1 सेमी होती है। ऐसे ही यहाँ पे 2 सेमी हो जाएगी, यहाँ पे 3 सेमी हो जाएगी, यहाँ पे 4 सेमी हो जाएगी और 5 सेमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के बीच की दूरी यानी 6 सेमी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, एक निशान होगा जो टूटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 सेमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूछा गया, यहाँ पे बच्चे से पूछा जा रहा है कि 6 सेमी कहाँ है, तो उसे 6 सेमी के बारे में बताना है। तो 6 सेमी उसे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो वो गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था क्योंकि वांछनीय चिन्ह है। तो वो क्या, यहाँ पे 2 से शुरू करना चाहिए, हम जैसे बता रहे हैं, और इस प्रकार से सेमी काउंट होते चली जाती। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संकेतों और चिन्हों के ज्ञान, सॉरी चित्रों के ज्ञान। सेकंड है कुछ सीमा तक संगणना प्रयास और ज्ञान। थर्ड है तथ्य और नियम सूत्रों के ज्ञान। फोर्थ है एलिगोरिक थ्योरम के ज्ञान। तो जैसे यहाँ पे उच्च क्रमीय चिंतन कौशल की बात की जा रही है, तो उसके लिए प्रश्न की मांग होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सीमा तक संगणना प्रयास और ज्ञान की आवश्यकता की जरूरत है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। हमीदा अपने विद्यार्थियों गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना करने सॉरी बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। तो यहाँ पर क्या है, एक टीचर है हमीदा, उन्होंने अपने विद्यार्थियों गणितीय योग्यता बढ़ाने या समृद्ध करने के लिए कुछ संख्या रूपी प्रतिरूपों का अवलोकन करने के लिए परिकल्पना बनाने के लिए एक कुछ समस्याएं दी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, 21/7 या 7 या पे 2.1/0.7 है, 0.21/0.07, 0.021/0.007। तो इस प्रकार की समस्या दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि ऑप्शन फर्स्ट है इसका, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। सेकंड है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। थर्ड है, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। फोर्थ है, जब एक भाजक को 10 से घटता है या घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़ती होती है तो गुणनफल समान रहता है। तो यहाँ पे बात किया जाए, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घटना, जैसे कि यहाँ पे 21/7 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 10 से क्या कर रहे हैं हम लोग, घट रहे हैं, तो यहाँ पे भाग भी का जो भाजक भी है वो घट रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो गुणनफल भी क्या उसका घटेगा। तो यहाँ पे यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाएंगे तो भागफल भी घटेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा 5th के विद्यार्थी समस्या 1/2/1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 टुकड़े केक के टुकड़े हैं, इसका कारण है। तो यहाँ पे एक समस्या है जो कक्षा 5th के विद्यार्थी क्या है, ये भिन्न तो आराम से वो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर केक के टुकड़े दिए गए हैं तो उन्हें वो करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसका कारण क्या है, कारण पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। सेकंड है, विद्यार्थियों इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। थर्ड है, विद्यार्थियों को भाषा विकास बहुत खराब है। फोर्थ है, समस्या कक्षा 5th के लिए उच्च कठिनाई या कठिनाई स्तर की है।
तो यहाँ पे कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थी हैं जो उस प्रकार की समस्या है तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, मगर यहाँ आधे केक में कितने टुकड़े केक के है कारण है तो वो इस प्रकार की समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण है कि भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के लिए पढ़ाई गई है, इसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं साथ साथ में। कक्षा थर्ड में दो अंकीय संख्याओं के विवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है या चरण दिए गए। फर्स्ट यहाँ पे स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ दो अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। सेकंड है यह प्रस्तुत करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जाता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। थर्ड है स्थानीय मान की प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत समस्याओं की व्यवकलन का प्रयोग अनुपयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक के पाठ का विकास कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना प्रक्रिया व्यवस्था करना संक्रिया। सेकेंड है व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया संक्रिया। थर्ड है व्यवस्थित या व्यवस्था संकल्पना संक्रिया परिकलन प्रक्रिया। फोर्थ है संक्रिया व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया। तो जैसे यहाँ पे क्या है स्थानीय मान की बात की जा रही है तो दो कक्षा थर्ड में इस तरह की व्यवकलन की पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो यहाँ पे किस प्रकार की चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या है पहले टीचर यहाँ पर क्या करेगा कि पहले परिकल्पना करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर व्यवस्थित करेगा, फिर बच्चों को इसमें सक्रिय करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक निगमन स्तर पर, सेकेंड निगमन स्तर पर, फोर्थ है चाषकीयकरण के स्तर पर, सॉरी थर्ड है फोर्थ है विश्लेषण स्तर पर। तो यहाँ विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों को दिया जा रहा है और वो कोणों को क्या के वे आकृतियों को कोणों के मापते हैं और देखते हैं तो ये किस प्रकार के सम्मुख समान है तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या विद्यार्थी जब देख रहे हैं माप रहे हैं तो जांच पड़ताल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है बच्चे विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं और बच्चे विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसका आंसर इसका करेक्ट होगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को प्रदर्शित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सेकेंड है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। फोर्थ है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पर शिक्षक का उद्देश्य पूछा जा रहा है जो कि विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुजों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी। कक्षा फोर्थ में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पार्ट के लिए आंकलन निर्देशित होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखा खंड को माप सकता है और रेखा खंड के अंत में बिंदु को चिन्हित कर सकता है। सेकेंड है रेखाकरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। थर्ड है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। फोर्थ है सेमी और इंचों में रेखाखंडों को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखाखंड का नाम बता सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बिंदु और रेखाखंडों में ज्यामिति पाठ के लिए आंकलन निर्देशित होंगे फोर्थ क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बात करती हैं तो यहाँ पे रेखा किरणों और खंडों में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सामान्य समस्या रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। सेकेंड है अधिकांश या हद संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। थर्ड है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। फोर्थ है बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसकी निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। तो ये क्या है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि हम किन्हीं दो संख्याओं से 24 गुणा प्राप्त कर सकते हैं या आंसर प्राप्त गुणफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 12 इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 का इंटू करेंगे तो 24 होगा, 4 से भी इंटू करेंगे तो 24 होगा, 3 का तो 24 हो जाएगा।
तो ये क्या है, मूक तंत्र वाला है, इसके बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे या हो जाएगा, तो इसके करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा सेकंड सॉरी थर्ड का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4082 लिखता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति की विस्तार रूप और लघु रूप से भ्रमित है। सेकंड है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली प्रकार लिखना सीख जाए। थर्ड है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। फोर्थ है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर जो बच्चा की 482 को पढ़ रहा है मगर लिखता वो 4082 है, तो यहाँ पे बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की उसकी समझ नहीं है या समझ नहीं पा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। तो दोस्तों यहाँ पे यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।